नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। गिरिडीह मधुपुर रेलखंड स्थित भंडारी डी के समीप रेलखंड पर बने पुलिया क्षतिग्रस्त हो जाने से रेल यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। घटना सोमवार को हले सुबह 5 बजे गिरिडीह से मधुपुर ट्रेन वापस लौटने के क्रम में घटना घटी। हालांकि ऐन मौके पर रेल कर्मियों को सूचना मिल जाने के कारण एक बड़ी घटना होने से टल गई। बताया जाता है कि महेश मुंडा और गिरिडीह रेलखंड स्थित भंडारी डी के समीप पोल संख्या IMP 290 के समीप अचानक पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। इसी दरमियान गिरिडीह से मधुपुर DMU सवारी गाड़ी लौट रही थी। हालांकि रेल खंड पर जांच कर रहे रेल कर्मियों को जानकारी मिल जाने के कारण लाल झंडी दिखाकर रेलगाड़ी को रुकवा दी गई। हालांकि एकाएक सुनसान जगह में ट्रेन रुक जाने से रेल सवारियों में अफरा तफरी मच गई। वहीं सभी सवारियों को उतार दिया गया और फिर धीरे धीरे रेलगाड़ी को पास कराया गया। इधर इसकी जानकारी रेल के वरीय अधिकारियों को दी गई। हालांकि रेल खंड में काम कर रहे ठेकेदार अपने मजदूरों के साथ इसकी मरम्मत करने में तुरंत जुट गए हैं। वहीं मधुपुर से गिरिडीह वाली 9 बजे दिन वाली ट्रेन बाधित हो गई है। फिलहाल रेल यातायात को चालू करने के लिए मजदूर मरम्मति करने में जुटे हुए हैं। इधर इस संबंध में घटनास्थल पर पहुंचकर जदयू जिलाध्यक्ष सरजू गोप ने कहा है कि ठेकेदार की लापरवाही साफ दर्शाता है। यदि ऐन मौके पर रेल कर्मियों को सूचना नहीं मिलती तो एक बड़ी घटना होने से कोई रोक नहीं सकता था। कहा कि रेल के वरीय पदाधिकारियों को इस मामले पर पूरी तरह से संज्ञान लेनी चाहिए, क्योंकि मधुपुर गिरिडीह रेलखंड पर बनी पुलिया की स्थिति जर्जर है। कभी भी बड़ी घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। गिरिडीह महेश मुंडा जो रेलवे स्टेशन जो रेलवे मार्ग है उसके भंडारी के बगल में अंडरग्राउंड पुल जा क्रॉस किया गया है। आज सुबह सुबह पता चला कि वहाँ ट्रेन परिचालन बाधित हुई है और जो अंडरग्राउंड जो पुल बनाया जा रहा उसके बगल में धस गया था और सारे सवारी को उतार दिया गया। सारे सवारी इधर उधर हो गए और एक बड़ी हादसा टला है। यह बहुत बड़ी बने ये मैंने इसको कहा जाए तो बहुत अच्छा बात हुआ कि हादसा से बच गया लोग। चूँकि पूर्व से भी यहाँ जो काम जो कर रहे हैं जो भी कंपनी काम कर रहे हैं इससे साफ दर्शाता है कि लापरवाही बरत रहे हैं। जो कि आज हादसा अगर हो जाती तो बड़ा बहुत बड़ा अन्याय हो जाता। यह हादसा टली है, यह हम लोग आज शुक्रगुजार करते हैं ऊपर वाले को कि हादसा टल गया है। और पुनः फिर हम प्रशासन से मांग करते हैं कि यह जो काम जो चल रहा है इसको पुनः दुरुस्त करने के लिए जांच करते हुए अच्छे ढंग से काम कराने का काम करें ताकि आवागमन कभी बाधित नहीं।